नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MS News 2019 में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है EPS 95 पेंशनर्स को लेकर, तो सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रही। तो चलिए दोस्तों अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। EPS 95 पेंशनर की पेंशन वृद्धि की चिंता को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSE के अध्यक्ष अशोक राउत जी गए वित्त मंत्रालय। जी हाँ फ्रेंड्स, EPS 95 पेंशनर की पेंशन वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए देश के 65 लाख से भी ज़्यादा पेंशनर्स के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSE के चीफ अध्यक्ष अशोक राउत जी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से मिलने वित्त मंत्रालय जा पहुँचे। और वहां पहुंचने पर उन्होंने EPS पेंशनधारियों की पेंशन बढ़ोतरी की मुराद को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के सामने पेश की और अशोक कुमार राउत जी ने निर्मला सीतारमण के सामने EPS पेंशनर की पेंशन वृद्धि और इन मांगों की मुराद की भी चर्चा पूर्ण रूप से पेश की। जी हां फ्रेंड्स, संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार राउत जी ने ये कहा कि EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कई सालों से नहीं हुई है, इसलिए इस पर विचार करें। EPS 95 पेंशनर्स की निम्न मांगे हैं। नंबर एक, 65 लाख से अधिक EPS 95 पेंशनर्स को 7500 प्लस डीए दिया जाए, समेत महंगाई भत्ता और दिया जाए। इसी के साथ उन्हें EPS 95 पेंशनर और उनके परिवारों को फ्री मेडिकल सुविधा भी करवाई जाए और ये सेवानिवृत्त भी कर्मचारियों को इस EPS योजना का सदस्य बनाए जाए और इसी के साथ उन्हें 5000 रुपये के हिसाब से पेंशन भी दी जाए। जी हाँ फ्रेंड, इस पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSE के अध्यक्ष अशोक राउत जी ने कहा कि सभी 65 लाख से अधिक EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं अब हर वो प्रयास करूँगा जिससे अपने साथ करना पड़ेगा उसे करूँगा। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि मैं जानती हूँ कि EPS पेंशनर की पेंशन में वृद्धि करना एक उचित हक है और उन्हें अपना हक मिले ताकि वे सभी अपना सुखद जीवन व्यतीत कर सकें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आपने संगठन बनाया है जो आपके भरोसे के लिए पूरी तरह से सही साबित होगा। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।